सीतामढ़ी जिले का हरनैया पंचायत बनेगा बाल विवाह मुक्त। इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर बाल विवाह मुक्त पंचायत निर्माण हेतु की गई घोषणा। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बताते चले कि सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के हरनैया पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने के लिए अनूठी पहल बचपन बचाओ आंदोलन एवं प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के द्वारा की गई है। बचपन बचाओ आंदोलन एवं प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की ओर से किशनपुर गांव स्थित पंचायत भवन में घोषणा कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी बथनाहा अजीत कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में पंचायत के मुखिया शिव कुमार राम के नेतृत्व में किया गया। वहीं घोषणा कार्यक्रम का मंच संचालन बचपन बचाओ आंदोलन के सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SSB 20वीं वाहिनी के कमांडेंट गिरीश चंद्र पांडे ने अपने संबोधन में पंचायत वासियों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों का विवाह निर्धारित उम्र से पहले न करें। श्री पांडे ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य, उनके अधिकारों की रक्षा करना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ वीडियो बथनाहा एवं बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा की जा रही अनूठी पहल की प्रशंसा भी की। वहीं डिप्टी कमांडेंट अभिजीत सरकार ने बाल विवाह के उद्देश्य से नाबालिग बालिका की तस्करी के विभिन्न प्रकार से स्थानीय लोगों को अवगत कराया। बथनाहा प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार प्रसाद ने अपने संबोधन में बाल विवाह मुक्त पंचायत निर्माण की नींव रखते हुए कहा कि एक वर्ष पहले बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत हम लोगों ने सामूहिक रूप से बाल विवाह मुक्त पंचायत निर्माण के लिए संकल्प लिया था। एक वर्ष में बाल विवाह पर पूर्ण रूप से पंचायत में अंकुश लगा है। अब जरूरत है कि हम सभी सामूहिक रूप से प्रयास कर बाल विवाह पंचायत में नहीं होने दें। स्थानीय थाना प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति बचपन बचाओ आंदोलन सहित हम सभी सामूहिक प्रयास कर पंचायत में एक भी बाल विवाह नहीं होने देंगे। पंचायत के मुखिया शिव कुमार राम ने कहा कि 5 गांव इस पंचायत में है, 5ों गांव में बाल विवाह न हो इसके लिए पंचायत हमेशा निगरानी करेगी। बाल विवाह मुक्त पंचायत निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही थी। आदर्श पंचायत की परिकल्पना कुप्रथा के अंत से ही साकार हो सकती है। वहीं कार्यक्रम में पंचायत के 600 से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से बाल विवाह मुक्त पंचायत निर्माण में अपनी सहभागिता देने का संकल्प लिया। साथ ही हस्ताक्षर के माध्यम से भी सभी ने अपनी सहभागिता दी। वहीं एक वर्ष में पंचायत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए 18 लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अतिथि ने संयुक्त रूप से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बथनाहा थाना के प्रतिनिधि, जीविका के प्रतिनिधि सहित पंचायत में जीविका से जुड़ी सभी दीदी, छात्र छात्राएं, पंचायत प्रतिनिधि, बचपन बचाओ आंदोलन के शिव शंकर ठाकुर, बाल समिति के सदस्य सहित भारी संख्या में पंचायत के लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो बचपन है बच्चा का, अगर उस बचपन के आयु में अगर आप उसके माथे में सिंदूर का दाग डाल देंगे तो उसका बचपन जो है मृत हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा अगर किसी ईंट भट्टे में काम कर रहा है, चूल्हे के भट्टे में काम कर रहा है, या तो एक मिठाई के दुकान में बर्तन धो रहा है, तो उसका बचपन समाप्त हो जाता है वहां पे। उसका बचपन को खिलते रहना बहुत जरूरी है, तभी उसका पूर्ण विकास हो सकता है। ये जितने बच्चे हैं ये आगे आने वाले भविष्य है हमारे देश के। अगर इस भविष्य को यहीं से तोड़ देंगे, यहीं से मरोड़ देंगे, तो आने वाला समय भारत के लिए बड़ा दुर्भर हो सकता है। तो ये मेन संसाधन है जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनका विकास होना बहुत जरूरी है। कहां पे? माँ के गोद में, अपने घर के आंगन में, खेतों में खेलते हुए में, और जो है स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा ज्ञान वर्धन करें, जिससे कि इसके विकास हो सके, जिससे देश का विकास हो सके। अब इसे अगर उसके ऊपर में ये भार डाल देंगे कि तेरी शादी हो गई है, जिस बच्चे को ये तकलीफ पता कि शादी होता क्या है, उसका अर्थ क्या निकलता है, तो फिर बच्चा का जो है बचपन मृत हो जाता है। तो
मैं आशा करता हूँ इतनी हुजूम यहाँ पे है, सभी एक बार कसम खाएंगे कि किसी तरह से किसी के घर में, किसी गांव में जो है किसी बचपन में किसी बच्चे का शादी नहीं होना चाहिए। जैसा मुकुल जी बोल रहे थे, मैं बरगनिया मेजरगंज में जो है बहुत सारे ऐसे बिजनेस पकड़ता हूँ जिसमें बच्चे को 14 साल के बच्चे 13 साल के बच्चे को शादी करके लेके आ रहे हैं। उस बच्ची से पूछा जाता है आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, ये तक नहीं पता कहाँ ले जाया जा रहा है। मैं बोला आप शादी के जोड़े में क्यों है, बोलता माँ पिताजी ने पहना दिया है जिसमें मैं पहन लिया। बोलता ये व्यक्ति कौन है, बोलता ये मेरे हस्बैंड है, मतलब मेरे जानती है और वो है कितने साल का, 50 साल का उम्र का है। ठीक है, तो इतनी कुर्तियां हैं, कुर्तियों को दूर करने के लिए आप सबका जो है हमें योगदान की आवश्यकता है, तभी हम जाकर काम कर सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, मानव तस्करी होता है, उसके अंग बेचे जाते हैं, उसके किडनी बेचे जाते हैं, उसके गुर्दे बेचे जाते हैं। तो इतनी कुप्रथाएं हैं, तो इसको रोकथाम करने के लिए आप लोगों की सहयोगिता की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बातें अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छा है, क्यों ना मिलकर जो है देश का काम करें, इन बच्चों का विकास होने दें जिससे कि देश में ये बच्चे जाकर के इस देश का नाम को उज्जवल कर सके। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं आज के आपके अपने ही शहर पुपड़ी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मन पसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पैन लैब, डीएमआई कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मन पसंद का मोबाइल ले जाएं, मन पसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।